और बिहार चुनाव के आखिरी चरण में आखिरकार जिन्ना का जिन बाहर आ ही गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुजरात दंगों को याद किया तो गिरिराज सिंह ने जिन्ना की याद दिला दी। बिहार के चुनावी समर में इस बार नेताओं को मुद्दों के साथ ही मैदान में उतरना पड़ा। मुद्दा रोजगार और पलायन रोकने के इर्द गिर्द घूमता रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने शबाब पर पहुंचा, चुनाव में लालू और नीतीश के 15 साल का जिक्र भी उछाला गया। जंगल राज और सुशासन की जंग हुई, लेकिन तीसरे चरण का चुनाव आते आते बिहार में जिन्ना का जिन बाहर निकल ही आया। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पीएम मोदी को गुजरात दंगों की फिर से याद दिला दी और कोहराम मच गया। मगर मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से बौखलाए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत माता का असली सपूत बताया और अब्दुल बारी सिद्दीकी को मोहम्मद अली जिन्ना का सपूत करार दे दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के नेता है, उनका बयान देख करके आश्चर्य। मोदी को उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, यानी गाली दिया, दंगाई कहा, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी आपको बंदे मातरम कहने में कष्ट है, लगता है आप कहीं जिन्ना के अनुयायी तो नहीं बन रहे, इसीलिए मोदी आपको दंगाई दिख रहे हैं कि मोदी आतंकवादियों के खिलाफ है। हालांकि बिहार चुनाव में पहली बार मुद्दों पर प्रचार भी हुआ और रैली भी हुई, लेकिन बीच बीच में नेताओं ने दूसरे मुद्दों से जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। आखिरी दौर के मतदान में बारी सिद्दीकी और गिरिराज की ये भिड़ंत क्या रंग दिखाएगी, अब ये कहना मुश्किल है। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के 51वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये अहम बातें कही। टेक्नोलॉजी की जरूरत, यही आपके फ्यूचर को रोशनी दिखाती। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विज्ञान और तकनीक की मजबूती पर बल दिया। मौका था आईआईटी के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज 2000 से ज्यादा टेक्निक देश को मिले। पीएम ने कहा कि तकनीक पर ही पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए संभावनाएं बनी हैं। दो दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया। ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे, उन कानूनों को भी हटा दिया गया है। ये देश के आईटी सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटेटिव बनाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि मेरी ये सोच है कि पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी का भविष्य तय नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी की जरूरत और उसके प्रति भारतीयों में आस्था, यही आपके फ्यूचर को रोशनी दिखाती है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान में तकनीक का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। जमीन पर जो बदलाव हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी सामान्य मानव की जो आकांक्षाएं हैं, उनसे जुड़ने का काम करें, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।